नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। संजय शुक्ला के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में उमड़ा जनसैलाब। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक के कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ मरी माता चौराहे पर किया गया, जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। कार्यालय के शुभारंभ में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि संजय शुक्ला विधानसभा का बेटा, आप बेटे को चुने, नेता को नहीं। तो वहीं पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कैलाश मेरा मित्र है, मैं उसको समझाऊंगा कि तू नामांकन दाखिल मत करना, तू चुनाव वैसे भी हार रहा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए इंदौर से योगेश दुबे के साथ संदीप की रिपोर्ट। हर युग में रावण को मरना पड़ेगा और राम विजयदशमी पे विजय का जुलूस निकालेगा। उसका नाम है संजय शुक्ला। साथियों, एक नंबर कितना सीधा सरल नाम है, एक नंबर। दो नंबरियों का क्या काम हमारे वहां, हम हमेशा एक नंबर रहे, दो नंबर ही है, चलता नहीं है भाई। बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था मैं, मेरा दोस्त है कैलाश, पर अब करूं क्या। ये संजय बोल रहा था कैलाश से खड़ा हो तू, कैलाश से कैलाश जी बने, अब वो अपने मन से कैलाशिया बन गया तो मैं क्या करूं, उसके कर्म से कैलाशिया बन गया तो मैं क्या करूं। इतने महान नेता कैलाश बाबू, 18 साल सरकार बीजेपी की, मिल मजदूर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज भी जाने कितने मिल मजदूर जिन्होंने इंदौर का नाम विश्व के नक्शे पे लाके खड़ा किए कि इंदौर के मिल का कपड़ा अमेरिका पसंद करता है, इंग्लैंड पसंद करता है, जर्मनी पसंद है। आज वो मिल का मजदूर आज भी टकटकी लगा के देख रहा है। कैलाश बाबू, तुम इतने महान नेता होते, अभी बड़ी बड़ी बात करके गए कि बाणगंगा में ऐसा कर दूंगा, एक नंबर को ऐसा बना दूंगा। अरे दो नंबर का मजदूर वहीं पड़ा यार, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहा है, तेरे बच्चे इंग्लैंड में पढ़ के आए दोस्त। एक नंबर की जनता समझ रही है कि यहाँ राजनेता नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए जन सेवक, और जन सेवक का नाम है संजय शुक्ला। तो मैंने कहा कि नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की नौ दिन यहाँ का चल रही है, तो आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके पूरे परिवार की, तो हमारी माताएं बहने जो उपवास कर रही हैं, मनोकामना पूर्ण हो। आज मंच में बैठे हैं हम सबके मार्गदर्शक देखिये। आज विधानसभा वार्ड क्रमांक चार का हमारा लगातार समय के बाद हमारी माताएं, आप देख रहे हैं ये वार्ड हमारे व्यापारी सब यहाँ पढ़े लिखे नौकरी वाले पेशावर लोग हैं। पहली बार इतना लोग आए हैं, क्यों आए हैं, पहली बार देखा कि हमारे बेटे ने 5 साल काम करा, उनके सामने राष्ट्रीय महामान को चुनाव लाया, परंतु वो डरने वाले नहीं है। तो बेटे को चुनाव जिताएंगे, नेता को नहीं जिताएंगे, क्योंकि वो नेता बनने आए हैं और नेता बन के सिर्फ जाना चाहते हैं कि 24 घंटे दुख हो या सुख हो या विकास की बात हो, उन सबके लिए मैं चुनाव लड़ता हूँ। कैलाश योगी ने एक बयान दिया है कि 1984 सिख दंगों की सरगना कमलनाथ है, किस तरह सिख संघार के जो दंगे हुए थे 1984 को, उसमें कमलनाथ को मुखिया बताया गया है कि बोले उनकी पूरी वो है, तो आपका क्या नजरिया उसको लेके जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए 94 में मैं तो बहुत छोटा था, परंतु कमलनाथ जी तो सजा मिलती, परंतु आज तक तो सजा नहीं मिली। ये तो सिख जनता को गुमराह करने की बात कर रही है। आज कैलाश जी एक गुंडे को है ना महामंडलेश्वर बता रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए उन्होंने तो महामंडल गुंडेश्वर के लिए बोला है कि वो एसपी को बोलते हैं कि मनोज परमार आ रहा है, इसको मारना मत, मैं भेज रहा हूँ। एक तरफ कहते हैं कि गुंडे हमारा महामंडलेश्वर है, वो ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं और हमारे महामंडलों का अपमान किया उनने, तो इसका बदला महामंडलेश्वर लेंगे, क्योंकि जनता एक भगवान होती है, जनता सुन सामने नहीं चलेगी।